Yeah. Point number six is use of marginalism principle. ये आपके लिए एक नया फीचर है. What it means? Use of marginalism principle. Microeconomics use करता है marginalism principle. As we know very well, कि 12 के 12 महीने मार्केट का जो डिमांड एंड जो सप्लाई रहता है वो सेम नहीं रहता है. एज चेंज इन द पीरियड मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई भी चेंज होता है. आई एम गिविंग यू वन बेस्ट एग्जांपल हियर. ड्यूरिंग समर वी यूजेस कॉटन क्लॉथ्स. सो ड्यूरिंग समर कॉटन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है. बट जैसे ही विंटर्स आता है मार्केट में वुलन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड वुलन क्लॉथ्स का डिमांड भी बढ़ जाता है. इट मींस दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका यूज करता है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज करता है. पॉइंट नंबर सेवन. या पॉइंट नंबर सेवन इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. इट मींस दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट एंड इट्स स्ट्रक्चर. अब ये जो चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम चैप्टर नंबर 5 में इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मार्केट्स रहते हैं. बट यहाँ पे हमको कौन कौन से मार्केट्स लिखने हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से मार्केट का एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली मार्केट एंड अदर मार्केट्स. सो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एनालिसिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. पॉइंट नंबर एट. या पॉइंट नंबर एट इज लिमिटेड स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्कोप रहता है. अब आप पूछेंगे सर इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी की स्टडी करता है, नॉट द होल पार्ट ऑफ इकोनॉमी की यहां पर स्टडी होती है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़े बड़े कंट्री के प्रॉब्लम्स रहते हैं और इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्कोप है और दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े डिफरेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आपको समझ में आया होगा. आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई भी डिफिकल्टीज हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.